Assalamualaikum everyone, this is Bilal from VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। ये प्रोडक्ट बेसिकली एक स्क्रू ड्राइवर है, एक पेचकस है और इसकी खासियत ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है। अब इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानगी हो, ये बेसिकली Xiaomi की तरफ से आता है और इसका नाम है Wowstick। जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा तो मुझे भी काफ़ी हैरानगी हुई और यही वजह थी कि इसको मैंने ऑर्डर कर लिया। इसको मैंने चाइना से मंगवाया है bangwood.com से और इसके अंदर 19 आई गेस आपके पास टिप्स हैं जो कि स्क्रू ड्राइवर के अंदर लग सकती हैं और इलेक्ट्रिक है ये। तो अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसी है, क्या ये आपके लिए अच्छी तरह से काम करेगा या नहीं। तो इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। सो इसके बॉक्स की बात कर ली जाए तो काफ़ी फेयरली सिंपल सा लगने वाला बॉक्स है, वाइट कलर का बॉक्स है, ऊपर कुछ स्क्रू हेड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ड्यूल पावर स्क्रू ड्राइवर, तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक स्क्रू इन करने के लिए भी और ओपन करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल है Wowstick 1P+ और ये 19 हेड्स के साथ आता है, यानी कि आप 19 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, 19 डिफरेंट टाइप्स के जो स्क्रू हेड्स हैं वो आपको इसके साथ मिल जाएंगे। ओके, बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी सारा सामान मिल जाता है, मैं इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक मैनुअल है जो कि ऑब्वियसली चाइनीज़ के अंदर है क्योंकि मैंने इसे चाइना से इंपोर्ट किया है। उसके अलावा ये डब्बी है जो कि काफ़ी लाइट वेट है, तो सबसे पहले इसको इसके अंदर मेरे ख्याल से मुझे इसे फाड़ना पड़ेगा, आई एम सॉरी। ओके, इसके अंदर एक कैरिंग केस है। आपको अपने स्क्रू ड्राइवर के लिए कैरिंग केस मिल रहा है, ये भी ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारा सामान लग रहा है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। ये वो टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकेंगे अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक ट्यूब के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि उसके अंदर किस टाइप का स्क्रू आपको देखने को मिल जाएगा, स्क्रू हेड मिल जाएगा सॉरी। और ये वो नॉर्मल वाले हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं और ये वो मोबाइल फ़ोन वाले हेड्स हैं जो कि स्टार शेप में आते हैं, तो ये वो सारे हेड्स हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। अब मैंने इंटरनेट पे देख लिया था, इसके अंदर सेल डलते हैं और ये है जी स्क्रू ड्राइवर। और ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है, जबकि नॉर्मली जब आप इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो वो सॉलिड तो होती हैं लेकिन उनमें प्रीमियम लुक नहीं आ रही होती। इसके सेल यहाँ डलने हैं और इसके अंदर डलेंगे नॉर्मल पेंसिल सेल जो कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाले डलने, आई थिंक बड़े वाले नहीं, छोटे वाले सेल ही डलने हैं। तो ये गया एक, ये गया दूसरा, ओके। अब इसको चलाकर देखते हैं कि चलता भी है कि नहीं। शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही हो इसके मूवमेंट की, ये रोटेट कर रहा है इस टाइम पे। मैं इसके ऊपर कोई स्क्रू लगा लेता हूँ, स्क्रू हेड लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से दिखा सकूँ। और ये वो नॉर्मल वाले हैं, इसके फ्रंट साइड के ऊपर अगर आप इसे ओपन करते हैं तो आप इन सारों को बाहर निकाल सकते हैं। ये है हमारा चार मुंह वाला पेचकस और मेरे पास यहाँ पर ये पुराना एक चार्जर भी पड़ा हुआ है जिसका स्क्रू जो है वो काफ़ी टाइट है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये ओपन कर सकेगा या नहीं। और ये हमने लगाया, इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये इसको मूव कर सके और ये जैम हो रहा है, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इतना पावरफुल तो होगा कि ये आराम से इसको ओपन कर सके, लेकिन ये बस एक पॉइंट पे आके रुक रहा है और जो नॉर्मल टाइप के स्क्रूज़ हैं उनको नहीं ओपन कर सकता। लेकिन एक दफ़ा अगर आप इसको हल्का सा घुमा लेते हैं नॉर्मल स्क्रू की तरह तो आपका जो स्क्रू है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको बार बार उसे घुमाना नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली स्क्रू को ओपन कर देगा और आपके लिए जो काम है आसान हो जाएगा, लेकिन आपको पहली दफ़ा इसे घुमाना पड़ता है और ये ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाता है जो कि एक अच्छी बात है। तो आप इसे पहले हल्का सा घुमाएंगे और उसके बाद आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने इसको दोबारा बंद करना है तो वो आप इसको दूसरी साइड पर रोटेट करके कर सकते हैं, ये ड्यूल मोटर वाला है तो दोनों साइडों पर रोटेट होता है, लेकिन ये पूरी तरह से टाइट नहीं होता, आपको फिर भी इसे हल्का सा टाइट करना पड़ता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी एसेसरी है, आपके नॉर्मल काम को बेटर बना सकती है। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 2400 के करीब थी सेल के अंदर और इसके 3-4 मॉडल्स आते थे, ये सबसे सस्ता मिल रहा था तो मैंने इसी को बाय कर लिया।
इसके अलावा भी इसके कुछ मॉडल्स हैं, उनके साथ केस वगैरह आता है, लेकिन मैं ओवरऑल इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई ऐसी एसेसरी है जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी, लेकिन अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्क्रूज़ वगैरह के साथ काम करते हैं तो डेफ़िनेटली एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर जो है वो आपके काम को ज़रा तेज़ कर सकता है, आसान के बारे में मैं गारंटी नहीं कर सकता। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स मैं और लेकर आऊँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ नहीं पसंद आती तब भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ या यहाँ कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा सब्सक्राइब करने के लिए, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।